आज की परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं ये अपेक्षा भी करता हूँ और मान भी करता हूँ कि आज की इस परिचर्चा में सभी वो लोग जुड़े हैं जिनको वस्तुतः बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारे संदेह भी होंगे और जिनको ये भी अनुभव हुआ होगा कि ज्ञान की सीमा का कोई अंत नहीं है और इतनी व्यापकता में हम किस दिशा में अग्रसर हो और किस तरह से उसको व्यवस्थित करें, बल्कि यूं ही कहना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को व्यवस्थित कैसे करें, ये एक हमारे सामने चुनौती है। और कल से जितनी सारी सूचनाएं और जितना सारा ज्ञान हमें डॉक्टर साहब से मिले हैं, दिशा निर्देश मिले हैं, उसको हम किस प्रकार से जो है वो एकेडेमिक्स के क्षेत्र में ला सकते हैं, वो हमारे लिए एक मुख्य प्रश्न रहा है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, प्रोफेसर गिरीश मिश्रा जी का, पुनः हमारे साथ आज जुड़े हैं, अपना समय उन्होंने दिया है, हमारे साथ ज्ञान साझा किया है और आज भी वो हम पर अपने ज्ञान का जो कृपा है वो हमारे पर करेंगे और हमें नए दिशा निर्देश आज देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज का विषय भी बिल्कुल अलग है। विषय जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मनोविज्ञान में अंतःकरण की संरचना एवं स्वरूप का परिभाषीकरण, और मैंने ऊपर अंग्रेजी में अंतःकरण और माइंड को ब्रैकेट में कर दिया है, क्योंकि माइंड शब्द जो है वो उसका अनुवाद सामान्य रूप से कर देते हैं कि मन, वो बहुत युक्ति संगत नहीं बैठेगा, जैसा कि मैं अगली दो तीन स्लाइड्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इस स्लाइड में जैसे कि आप नीचे देख भी पा रहे हैं, सामान्य रूप से जब आप इंडियन जब साइकोलॉजी की वेस्टर्न साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आपको तीन भाग दिखाई देते हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस को हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते, लेकिन सामान्य रूप से हमारा जो काम है वो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस से चल जाता है। कॉन्शियस माइंड आपका 10% है, मुझे पता नहीं कि ये परसेंटेज जो है वो कितनी साइंटिफिक है या ये एक तरह का अनुमान है। और उसमें जो है वो कॉन्शियस माइंड में आप देख सकते हैं कि एनालिसिस, थिंकिंग एंड प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी और हैबिट्स और रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स, इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस, ये इस तरह की सारी चीजें, इंट्यूशन वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। और साथ में हम ये भी ध्यान रखें कि माइंड शब्द जो है वो अंग्रेजी में दो रूप में प्रयोग होता है। एक इस रूप में प्रयोग होता है कि माइंड योर हेड, ध्यान करने के अर्थ में प्रयोग होता है, और दूसरा है नाराजगी के अर्थ में डू यू माइंड। इन दोनों बातों को ध्यान में रखें, माइंड का व्यवहार है और एक तरह की ये जेनरिक टर्म हमारे सामने उभर करके आती है जिसको हम संस्कृत की परंपरा में या अपनी भारतीय परंपरा में हम उस तरह से अनुकृत नहीं कर सकते जिस तरह से पीछे की पीढ़ी जो है वो सारी की सारी हमारे पास अगर से चली आ रही है। और कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व आप सभी से कल मैंने डॉक्टर साहब का परिचय करवा दिया था, लेकिन फिर भी एक औपचारिक परिचय के लिए, औपचारिक स्वागत के लिए मैं श्री संजीव भारू जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमारे आज के मुख्य वक्ता और हमारे साथ जुड़े हुए सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, श्रोतागण हैं, विचार के लिए उत्सुक लोग हैं, उनका वो स्वागत करें। श्री संजीव भारू जी जो कि डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल के, उनसे मेरा निवेदन है कि वो एक बार स्वागत करें और फिर मैं आपके साथ अगली कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर सर। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। जी, भारतीय मनोविज्ञान के संदर्भ में भागों में किया जा रहा है, उसके दूसरे भाग में आज के हमारे जो वक्ता हैं डॉक्टर, का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। आज हमें उन्हें उनका
वक्तव्य प्राप्त होगा। तो अभी तक हम लोगों ने उनसे जानने और समझने का प्रयास किया, में हम आगे बढ़े और आज और अन्य जो यहाँ पर प्रतिभागी आज स्वागत औपचारिकता न निभाते हुए जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। हालांकि आवाज तो डॉक्टर साहब की थी, कृपया आप लोग अपना ऑडियो म्यूट पे रखें, नहीं तो मेरी आवाज गूंजेगी और वो फिर आप लोगों से कानों के लिए एक हिंसा होगी। कृपया उस हिंसा से मुझे भी बचाएं और अपने को भी बचाएं। आनंद प्रिया जी प्लीज अपना माइक अब म्यूट अनम्यूट मत करिएगा प्लीज, अपना माइक अब म्यूट ये फिर आप चलिए। इस औपचारिक स्वागत के बाद मैं जल्दी से कुछ एक चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके बाद कुछ प्रश्न अगर किसी के होंगे बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में चार प्रकार के प्रश्न होते हैं और प्रश्न करने का भी एक तरीका सिखाया जाता है। हालांकि हम औपचारिक शिक्षा में नहीं सिखाते, लेकिन अगर आप परंपरा को देखेंगे प्रश्नों की परंपरा में, तो प्रश्न जो है वो संक्षिप्त सटीक और औचित्यपूर्ण, उनमें कई सारे क्वालिफायर्स होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चार कोटियां हैं प्रश्न करने की। एक तो वो प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, दूसरी तरह के प्रश्न वो होते हैं जिनका प्रत्युत्तर के रूप में जो है आप प्रति प्रश्न के रूप में उत्तर दे देते हैं, तीसरी तरह के प्रश्न की एक कोटि होती है जिसे हम स्थापनीय प्रश्न कहते हैं कि इररिलेवेंट क्वेश्चंस। ये आदमी जो है वो कई बार इररिलेवेंट क्वेश्चन कर देता है तो उसको उठा कर रख देते हैं, और एक अंतिम कोटि होती है जिसे आप और हम सभी जो हैं वो मिल रहे हैं, और उस कोटि का नाम है विभज्य व्याकरणीय कोटि। तो विभज्य व्याकरणीय कोटि जो होती है वो उसमें प्रश्न का विश्लेषण किया जाता है, प्रश्न के विभिन्न भागों को भेदों को ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं उस कोटि के प्रश्नों को अपने साथ संक्षेप में रख पाएंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं कुछ एक सूचनाएं आपके साथ साझी कर लेता हूँ। स्लाइड्स जो कल देख ली थी केवल उनके माध्यम से हम जस्ट वी विल रन थ्रू, और जो आज का मुख्य विषय है ये मनोविज्ञान की कल हमने देखी थी उसके ऊपर आएंगे, और ये कला मॉडल है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभावी है, न्याय वैशेषिक का मॉडल, और इफेक्टिव भी है, एप्लीकेबल है और इसको यूज कर सकते हैं। ये कश्मीर शैविज्म के आधार पर विकसित मॉडल है, इसमें हम नहीं जा रहे। और मनुष्य के व्यवहार की कल हमने कोटियां देखी थी कई प्रकार की, और जिसमें कुल मिलाकर के 5184 तो अभी हम जानते हैं। इसके बाद जो मैं सीधे सीधे आप लोगों के साथ आ रहा हूँ, आज का जो विषय है माइंड, जिसे मैंने अंतःकरण शब्द दिया था, उसके विषय में आप लोगों के सामने मैं बात रख रहा हूँ और उसको आप समझें। मेरी कन्फ्यूजन्स है, मैं आप लोगों का बताना चाहता हूँ। हालांकि लोग ज्ञान के क्षेत्र में कन्फ्यूजन को बड़ा निकृष्ट समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे कन्फ्यूजन्स ने बड़ा सहारा दिया और अग्रसर किया। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि आज भी मुझे कहीं ज्ञान के विषय में कोई स्पष्टता है, लेकिन इस अस्पष्टता ने मुझे हमेशा निरंतर चलाए रखा है, अग्रसर हुआ। और दूसरा एक वाक्य और मैं डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी के सम्मान में कहना चाहता हूँ, उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वो औपचारिकता में रह गया था लेकिन वो मुझे ध्यान में आ गई। तो कल जैसे मैंने दो एक पंक्तियां सुनाई थी, एक पंक्ति में यह बात सुना रहा हूँ कि मेरे लिए ज्ञान के क्षेत्र में अग्रसर होने का एक कहानी है, संक्षिप्त सी एक पंक्ति की कहानी, कि महात्मा बुद्ध गर्मी के दिनों में जब जून का महीना है
भिक्षा मांगने निकले हुए थे और किसी किसान जो उस वक्त खेती कर रहा था, अपने खेत जोत रहा था आने वाले भविष्य के लिए, उसके आगे जाकर उन्होंने अपना कटोरा हाथ कर दिया भिक्षा के लिए। किसान ने देखा हट्टा कट्टा युवक है और उसने तुरंत कहा, अरे तुम भीख मांगते हो, कुछ करते क्यों नहीं? आप जानते हैं कि वो बुद्ध का जो उत्तर था वो आज भी मेरे मन मस्तिष्क पे, मेरी चेतना में अंकित है। उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह ज्ञान की धरती, चेतना की धरती पर ज्ञान के हल, बुद्धि के हल से ज्ञान की खेती करता हूँ। इतना कि मैं उत्तर दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये उत्तर अगर आप लोग संभाल के रख लेंगे तो आप लोगों के लिए ये एक दिशा निर्देश का काम करेगा। चेतना की धरती पर बुद्धि के हल से ज्ञान की खेती करता हूँ। और उस दिन मुझे ये समझ में आया था कि भारतीय संस्कृति जो कृषि संस्कृति है, कैसे ज्ञान और भारतीय संस्कृति, कृषि संस्कृति आपस में मिले, बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई थी। ये मैं आपके सम्मान में डॉक्टर साहब एक कहानी प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन अब हम मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं, मुख्य विषय पर आ जाते हैं, समय ज्यादा नहीं लेते हुए। शब्द के बारे में मैं बात कर चुका हूँ जितनी मेरी जानकारी है, और अंतःकरण में आप देखिए कि भारतीय संस्कृति में आप लिखिए कितने सारे शब्द उपलब्ध हैं। बुद्धि, चित्त, अहंकार, भावना, वासना, सत्व, सत्, चित्त, आत्मा, ज्ञान, अज्ञान, पुरुष। पुरुष आप मेल के अर्थ में मत समझ लीजिएगा, ये बड़े अनुचित होगा। जीव, स्मृति, अनुभव और हृदय, कुल मिलाकर के ये अंतःकरण के लिए उपलब्ध किए, उपलब्ध होने वाली शब्दावलियां हैं। पर्यायवाची शब्द कहना चाहे वो भी हैं, और इनके प्रमाण आपको शास्त्रीय प्रमाण मिल जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं है। अब जब आप मन को, शब्द को प्रयोग करते हैं तो आपको मन जो है वो बंधन का और मोक्ष का साधन मिलता है। फिर और आप शब्दावलियां देखिए, काम के साथ संकल्प भी जुड़ा हुआ है, विचिकित्सा, श्रद्धा, श्रद्धा, धृति, ह्री, धी, इतने सारे शब्द और मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जब आप एक शब्दों के साथ अंतःकरण और अंतःकरण को मन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति तो कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूजन केवल माइंड और अंतःकरण के बीच में नहीं है, अंतःकरण को परिभाषित करने में भी मुझे कंफ्यूजन होती है कि जब मैं मन शब्द को मन संकल्प विकल्पात्मक मन जब ये परिभाषा कर देता हूँ और निश्चयात्मिक बुद्धि का ये कर देता हूँ परिभाषिकीकरण, तो मेरे लिए एक कठिनाई पैदा हो जाती है कि क्या ये सारी की सारी परिभाषाएं, ये शब्दावलियां क्या ओवरलैप तो नहीं कर रही, कहीं ये अव्याप्ति और व्याप्ति के दोष से या असंगतता के दोष से पीड़ित तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने आते हैं। एक और नीचे आप शब्दावली और देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए अजीब भी हो सकती है, लेकिन इस शब्दावली को ध्यान में रखेंगे और जब हमारे कानों की कंडीशनिंग इस तरह के शब्दों के लिए होने लगेगी तो वो अर्थ भी स्पष्ट होने लगेगा। अभी तो हमारी कंडीशनिंग जो है वो अंग्रेजी हिंदी मिली जुली सी है, हमारे सारी इंद्रियों की कंडीशनिंग इस तरह की हो चुकी है, लेकिन फिर भी धैर्यपूर्वक इन शब्दों को देखें। संज्ञान, आज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञान, मेधा, इष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम, वश। जब आप डिक्शनरीज उठा करके देखेंगे तो आपको इतनी सारी शब्दावलियां मन के लिए, माइंड के लिए मिलने लगेंगी या अंतःकरण में ये सारे के सारे समाहित हैं। यूं कह लीजिए कि अंतःकरण का जो निर्माण है वो इन सब शब्दों को मिलाकर के है, इन सब अवधारणाओं को मिलाकर के है। मैं और अग्रसर होता हूं, फिर आप मन के विषय या जिसे आप अंतःकरण कर रहे हैं उसके विषय और उसके कर्मों को देखेंगे तो आपको और भी अधिक एक उलझन के क्षेत्र में, एक वन में, जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये स्पष्ट हो सकता है जो, जिन लोगों ने इन शब्दों को ढूंढा होगा या हमारे लिए पहली बार प्रयोग किया होगा। लेकिन आज के दिन में अगर आप किसी भी संस्कृतज्ञ से पूछेंगे, किसी भी विद्वान से पूछेंगे, तो वो आपको परिभाषा देकर के अपना पीछा तो छुड़ा लेगा, लेकिन उसके अर्थ क्या हैं और वो व्यवहार परक अर्थ क्या हैं ये बताने में कठिनाई होगी कि क्या वस्तुतः मन संकल्प और विकल्प ही करता है, तो वो किस अर्थ में करता है और बुद्धि के कौन से हिस्से में से वो मन जो है वो टिकाव में होता है।
ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, केवल आप स्लाइड्स देख लीजिएगा कि चिंत्यम विचार ऊहियम ध्येय संकल्प, ये सारे जो हैं कर्म और विषय अंतःकरण के होते हैं। और मजेदार बात है, जिस योग दर्शन की आप सभी लोग बड़ी बात करते हैं कि भाई योग दर्शन और योगा डे भी हमने मना लिया योगा डे करके, लेकिन उसमें ये जो व्याधि स्थान स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व अनवस्थिति, ये जो कैटेगरी आपके माइंड की हैं, इन कैटेगरीज के ऊपर कौन चर्चा करता है? क्यों नहीं हम चर्चा करते? क्यों नहीं इनके ऊपर थीसिस लिखे जाते? क्यों नहीं इनके ऊपर चर्चाएं होती? और जब थीसिस लिखने की बात है या रिसर्च करने की बात है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने शास्त्रों से उन सभी परिभाषाओं को शब्दावलियों को इकट्ठा किया और एक जगह ला करके इकट्ठा करके कह दिया कि ये मेरा थीसिस है, ये मैंने चुन लिया। आज के दिन में अगर ऐसे संस्कृत के थीसिस को अगर आप प्लेजरिज्म में डालेंगे तो वो 100% रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी कंट्रीब्यूशन या रिसर्च स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन तब होगी जब वो इनके प्रैक्टिकल अप्लाइड एस्पेक्ट पे अपने कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। ये शब्दावलियां तो शास्त्रों में दी हुई है, और अगर आपको वहां शास्त्र में से नहीं ढूंढना चाहते, आसान तरीका और भी है कि आप इनको कोशों से इकट्ठा कर लें, लेकिन एप्लीकेशन जब तक आप उसकी नहीं करते, कुछ डाटा इकट्ठा नहीं करते, जब प्रश्नावली नहीं बनाते, तब मुझे नहीं पता कि संस्कृत में जो की जाने वाली जो थीसिस हैं रिसर्च हैं वो किस प्रकार से वो रिसर्च की कैटेगरी में आ रही है। चलिए एक बार मैं और अंतिम बात कहकर के आप उनके प्रश्नों को या कोई टिप्पणी होगी उसको आमंत्रित कर रहा हूँ। सामान्य रूप से जब आप संस्कृत सारे साहित्य को और हिंदी साहित्य को और बाकी साहित्य को देखते हैं, भारतीय साहित्यों की बात कर रहा हूँ, आपको इतने सारे पर्याय लगभग 17 के रूप में मिलते हैं। आप लिखे मनन करने से उसका नाम मन कर देते हैं, जब निर्णय के ऊपर पहुंचता उसी को हम बुद्धि भी कह देते हैं, फिर उसी का जब अहम का भाव जाता है उसी मन को आप अहंकार भी कहते हैं, वही चित्त है, उसी मन को कर्म भी कह देते हैं, कल्पना स्मृति वासना अविद्या, और इसी मन को आप मल भी कहते हैं। मल जो है वो मल त्रय होते हैं, शब्द बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन कश्मीर शैव दर्शन के लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर इसी मन को माया भी कहते हैं, और साधु संतों ने जो लोग भी मध्यकालीन साहित्य पढ़ा है जिन्होंने, उन्होंने देखा होगा कि मन और माया को एक पर्यायवाची के रूप में, फिर इसी रूप में प्रकृति शब्द भी प्रयोग हो रहा है, मन को ही जीव युष्टक और अतिवाहक शरीर इंद्रिय भी कहा है, और ब्रह्म विराट और सनातन, ये उपनिषदों में आपको इस तरह के कई शब्दावलियां और चीजें मिल जाएंगी। तो आज के लिए मैं इन यहीं पर अपनी स्लाइड रोक रहा हूँ, हालांकि मटेरियल और भी बहुत कुछ है, और इसके दो पक्षों को भी हम ध्यान में रखेंगे जो हम डॉक्टर साहब के चर्चा के बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो इसका भाव पक्ष है कि ये भाव क्या मन में रहते हैं या बुद्धि में रहते हैं या मस्तिष्क में रहते हैं, और दूसरा ये विचार कहाँ रहते हैं। भाव और विचार दो अलग अलग चीजें हैं। ये सामान्य रूप से अगर आप संस्कृत के लोगों से पूछेंगे तो आपको बड़े स्पष्ट उत्तर मिलेंगे कि विचार बुद्धि में रहता है या मन में रहता है, और भाव जो साहित्य शास्त्र में पढ़ाते हैं कि चित्त में रहते हैं, वही योग शास्त्र में जाकर के वो भाव आपको वहां नहीं देखने को मिलेंगे। तो उस तरह के कई स्पष्टताएं हमें देखने को पढ़ने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, और उनके हम विचार करेंगे। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है, यदि कोई टिप्पणी भी करना चाहता है कल के विषय पर भी, या अग्रसर करने में जो हमारे सहायता कर सकते हैं, तो आप बहुत संक्षिप्त और सटीक जो मैंने 4 कोटी आपको बताई है प्रश्न, उसके अनुकूल अगर आप प्रश्न करते हैं तो स्वागत है। उसके बाद डॉक्टर साहब का जो वक्तव्य है वो आरंभ होगा। अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, यदि है नहीं तो मैं फिर डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा। वो टिप्पणी रखना चाहते हो आप अपना माइक अनम्यूट करके रख सकते हैं। जी नहीं, ठीक है सर, मुझे लगता है कि मैंने 10-15 मिनट ले लिए हैं जो मेरे मन में था वो मैंने आपके सामने अर्पित कर दिया है। अब आप उसका विश्लेषण करें और देखें कि इसमें क्या है और क्या असंगत है।
बिल्कुल आपके क्रिटिकल और कमेंट्स मैं उस पे चाहूंगा, बिल्कुल क्रिटिकल वक्तव्य आपके अपेक्षित है। यज्जाग्रतो दूरमुपैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आज की संगोष्ठी में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग मन और अंतःकरण इन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमने अभी यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त का पहला मंत्र प्रस्तुत किया और यह मंत्र और इसके साथ ही पांच और मंत्र हैं जो एक प्रकार से मन के बारे में जो विचार हैं उनके जो दृष्टा थे ऋषि जो थे मंत्र दृष्टा कहे जाते हैं, वाचिक परंपरा थी और उनका जो अनुभव था उसको उन्होंने व्यक्त किया। हमारे सुहृद आशुतोष जी ने बड़ी योग्यता के साथ भिन्न भिन्न स्रोतों का आलोड़न करके जो उसमें सामग्री प्राप्त हुई है उसको आपके सामने रखा। आपने क्षण भर के लिए ही देखा लेकिन आपको भिन्न भिन्न उपनिषदों में मन को लेकर के जिन विचारों का उल्लेख वहां प्राप्त होता है उसका वर्णन आपने देखा, उसको विस्तार में देखने की आवश्यकता है। हम कहना यह चाहते हैं कि मन को लेकर के चिंतन वैदिक काल से उपनिषद काल में फिर दर्शन जो विकसित हुए उन सब में किया गया है और आज भी हम लोग अपने सामान्य जीवन की भाषा में भी मन का नाना प्रकार से उपयोग करते हैं। मन शब्द जो है वह अत्यंत निकट का है हमारे और किन किन अर्थों में प्रयोग करते हैं उसको आप देखें और उनका जीवन में हम उपयोग कर रहे हैं। मन की बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, मन मार करके हम बैठ जाते हैं, कभी कभी मन ही मन सोचते रहते हैं। मनमानी करते हैं, मनस्वी यह भी एक शब्द है, मनोगत हमारे जो विचार हैं उन पर भी हम विचार करते हैं। यह भी है कि मन की मुराद मन आप विचार करते हैं। योग और तमाम प्रकार के ध्यान की विधियां हैं उसमें मनोनिग्रह की भी बात होती है, मन की दृढ़ता की बात होती है। तो मन का उपयोग नाना प्रकार से हम करते हैं, अपने स्वाभाविक जो दैनिक जीवन है उसमें भी उसका उपयोग हम कर रहे हैं भिन्न भिन्न क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए। एक बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमारा एक जो भौतिक शरीर के रूप में अस्तित्व है और उस अस्तित्व की जो रचना भारतीय चिंतन में है जिसका उल्लेख कल भी बड़े संक्षेप में हम लोगों ने किया था कि हम यह मानते हैं कि जो मूल तत्व है वह तो है आत्मा और यह शरीर है और इंद्रियां है जिनसे हमारा भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का विषयों का संपर्क होता है। मन कहाँ है? मन
कि जो संकल्पना की गई है या जो एक मानचित्र व्यवहार को समझने के लिए बनाया गया है, एक सिद्धांत बनाया गया है, उस सिद्धांत में मन आत्मा और इंद्रिय के बीच में उपस्थित है और मन में आत्मा का भी प्रतिबिंब पड़ता है। मन प्रकृति का अंश है और इसके कारण वह जो भिन्न भिन्न त्रिगुण की विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के द्वारा संचालित होता है और वह संपर्क में आता है इंद्रियों के और इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती हैं और हमको उसकी जानकारी होती है कि कौन सा पदार्थ जो है वह किस प्रकार का है। आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सारी बहुत सारी जो हम लोगों की ज्ञानेंद्रियां हैं, इन प्रकार के जो पदार्थ हैं उनकी जानकारी होती है और हम उस जानकारी को पा करके और फिर पीछे की ओर आप देखें तो इंद्रिय हुआ, विषय का संबंध इंद्रिय से हुआ, इंद्रिय का संबंध मन से हुआ, मन का संबंध आत्मा से हो रहा है और तब हमको उसका ज्ञान होता है। ज्ञान का केंद्र जो है वह आत्मा माना गया। अब यहां पर एक और बात आती है कि जो भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं उनको जो शक्ति मिलती है और ज्ञान के एक माध्यम के रूप में जो कार्य करते हैं वो सब का सब जिम्मा मन को सौंपा गया है और इस तरह से मन जो है उनको सहायता प्रदान करता है, सहायक होता है। लेकिन मन को स्वयं भी इंद्रिय कहा गया, मन को स्वयं भी अंतःकरण का नाम दिया गया और वह इसलिए दिया गया कि हम केवल पदार्थों की प्रकृति को, उसके स्वरूप को ही नहीं जानते हैं, केवल हम त्वचा पर कुछ अनुभव हो रहा है, आंख से कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा ही नहीं है, हम इन सबके अतिरिक्त सुख दुख का भी अनुभव करते हैं। अब इस सुख दुख का अनुभव करने के लिए कोई बाहर की इंद्रिय नहीं दिखाई पड़ रही है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वह भौतिक पदार्थों से तो जुड़ती हैं लेकिन सुख दुख की अनुभूति जो है उसका आधार क्या होगा। तो उसके लिए यह प्रस्ताव हुआ कि उसके लिए भी एक कोई माध्यम चाहिए, कोई तरीका चाहिए और उसके लिए मन की संकल्पना की है कि मन जो है वह अंतःकरण है। मेरी जो समझ है वो यही है कि मन जो है वो अंतःकरण है जो कि सुख दुख का बोध कराता है और जो बाह्य ज्ञान इंद्रियां हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक पदार्थों का अनुभव हमको प्रदान करती हैं, उनका ज्ञान हमको प्रदान करते हैं, उनका प्रत्यक्ष जो है वह संभव हो पाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी अगर आप जो शास्त्र भिन्न भिन्न हम लोगों के विकसित हुए हैं जिनकी रूपरेखा बड़े संक्षेप में रखी गई थी आदरणीय आशुतोष जी द्वारा और उसके बहुत सारे पक्ष हैं जिन पर विस्तार में चर्चा है और उस पर उन्होंने स्वयं भी लिखा है और अन्यत्र भी उपलब्ध है और उसका समय तो नहीं है यहाँ पर अभी पूरे विस्तार में जाने का। लेकिन अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मन जो है वह कैसी चीज है, वस्तु है, क्या है ये। अब आंख कान नाक तो दिखाई दे रहे हैं, जीवा दिखाई दे रही है, मन जो है वह क्या है। मेरी जो बुद्धि है उससे ऐसा प्रतीत होता है और जो हमने पढ़ा लिखा कि मन जो है वह प्रक्रियात्मक है, फंक्शनल है, वह भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करता है।
भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करता है, भिन्न भिन्न भूमिकाओं को निर्धारित करता है, संचालित करता है, संपादित करता है। और जो भिन्न भिन्न दर्शन हमारे हैं उनको अगर आप देखें तो मोटी मोटा जिसको कहेंगे उसमें यह कहा गया कि बुद्धि, अहंकार और एक और चीज वेदांत में जोड़ी गई, चित्त और मन। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब ये चार रचनाएं जो हैं ये प्रकार्यात्मक रचनाएं हैं, इनकी इनका फंक्शन अलग अलग है। मन इन चारों को मिला करके भी कहा जाता है और मन एक अलग भी है मानस। तो मानस, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार फंक्शन जो है इनको मिला करके आप अंतःकरण भी कहते हैं, उनको अलग अलग भी कह सकते हैं। कई हैं जो कि चित्त को नहीं शामिल करते, वेदांत जो है वह चित्त को विशेष रूप से शामिल करता है। बुद्धि जो है वह निश्चय करती है और मन जो है वह संदेह करता है, संशय करता है कि ये है कि ये है। और अहंकार जो है उसमें कर्तृत्व की भावना जो है डाल करके अभिमान पैदा करता है कि यह हम है करने वाले। और चित्त जो है वह करने के जो परिणाम है, जो अनुभव है, उसको स्मृति के रूप में धारण करता है। अब आप देखें कि ये चारों मिल करके पूरे जो मानसिक कार्यकलाप है उन सबको परिसीमित करते हैं। जो हमारे जीवन में तमाम तरह के कार्य है वो इन्हीं चारों में बंध जाते हैं। चाहे वो स्मृति का कार्य होगा, आप अतीत को जोड़ते हैं, वर्तमान को जोड़ते हैं, और इन सबको जोड़ने घटाने का काम जो है वह मन करता है, अतीत को, भविष्य को, वर्तमान को। तो हिला हवाली करने का काम जो है मन करता है। इसीलिए कहा गया है और अष्टकोशी ने उल्लेख भी किया है, मुझे भी बड़ा प्रिय है, कि मन ही मोक्ष का भी कारण है और बंधन का भी कारण है। मन ही सबसे बांधता है और मन ही जो है वह मुक्त करता है। इसीलिए मन को बड़ा बल दिया गया है। कुछ लोग मन को इन चारों को मिलाकर के कहते हैं और कुछ लोग मन को अलग और इन तीनों को अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शन के रूप में कहते हैं। योग वाशिष्ठ में तो अद्भुत विवरण है, जिस पर अलग से मैं अंत में चर्चा करूंगा, किस मन जो है वह नाना कार्य करता है, इनके अलावा भी बहुत सारे कार्य करता है। और मन में जो संकल्प आ गया, ये सारी रचना जो विश्व में आप देख रहे हैं, ये जो संसार में घटित हो रहा है, वह सब कुछ मन का ही परिणाम है। अब मन में विचार आया आशुतोष जी के कि मन के ऊपर विचार किया जाए, गिरीश्वर जी को बुलाया जाए, फिर उन्होंने चर्चा की और अब यह भौतिक रूप में यह घटना घटित हो रही है। तो कहीं न कहीं मन जो है वह इन सारे संकल्पों, सारे कार्य, सारी रचना, सारे जगत का मतलब जो विचार के रूप में घटित हो रहा है वह भौतिक रूप ले लेता है। तो कहीं न कहीं मन जो है वह इन सबके पीछे है, लगा हुआ है। और चूंकि आपके पास बुद्धि है जो कि निश्चय करती है, बताती है, भेद करती है, अहंकार जो है वह एक दृढ़ता पैदा करता है कि भाई हम ये करने वाले हैं, हम इन सबको ग्रहण कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं। तो चित्त में उसका लेखा जोखा जो है इकट्ठा रहता है। तो इस जगत को चलाने के लिए मन का, चित्त का, अहंकार का
और बुद्धि का, इन सबका उपयोग जो है वो आवश्यक है इस पूरे खेल को चालू रखने के लिए। संसार में जितने भी प्रकार की क्रियाएं हैं, जो आपके संबंध हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें इनका उपयोग नहीं होता है। तो ये एक तरह के आपके व्यवहार जगत की भाषा है, ये है बिहेवियर की लैंग्वेज है जिसमें इन सब तो यह जो वितान ताना गया मन का, इन चारों को मैं इकट्ठा करके मन कह रहा हूं, अंतःकरण में इन चारों को मैं अंतःकरण के रूप में ग्रहण कर रहा हूं। माइंड के अंतर्गत ये चारों जो है वह उपलब्ध है, मन इनसे अतिरिक्त कोई चीज नहीं, इनका संपुटित रूप जो है उसको आप मन कह सकते हैं, अंतःकरण, ये चारों अंतःकरण है। अब इनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं, इनके कार्य अलग अलग हैं। जो वाशिष्ठ में तो ये कहते हैं कि जैसे एक अभिनेता अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग कार्य करता है, वैसे यह मन भी अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग कार्य करता है। कभी वो संकल्प का काम करता है, कभी इसका काम करता है, कभी उसका काम करता है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि मन को, उसका विशेष रूप से जो चित्त वाला पक्ष है, जिसका योग में विस्तृत विवेचन और वर्णन है, वहां पर मन जो है काफी हद तक वह चित्त से व्याप्त कहा जा सकता है। सारी जो चित्त वृत्तियां हैं वह भी मानसिक जगत की विभिन्न भिन्न क्रियाओं को, वृत्तियों को वह व्यक्त करते हैं, और मन की भिन्न भिन्न स्थितियों का भी वर्णन है, प्रक्षिप्त है, विक्षिप्त है, एकाग्र है। तो मन के क्लिष्ट और अक्लिष्ट भी है। तो ये मन जो है वह एक मानसिक स्थिति को भी व्यक्त करता है, चित्त की ये भिन्न भिन्न स्थितियों को व्यक्त करता है, और इनको जो योग की अन्य जो चरण हैं उन चरणों में सम्मिलित हो करके आप मन को, चित्त को बदलते हैं, उसका परिष्कार करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसमें अलग अलग स्तर पर उसको विकसित करते हैं, और फिर यह स्थिति भी होती है कि आप समाधि की स्थिति में आ जाते हैं और आपका परिष्कार होता है, आपका विचार में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, और अपने स्वरूप को आप अनुभव करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो ये सांसारिक जगत में जो वृत्तियों का संलग्न होना है, उन वृत्तियों का संलग्न होना वह संसार की ओर प्रवृत्ति आपकी बढ़ रही है, और उनसे जब आप निवृत्त करते हैं तो आप आत्मा की ओर बढ़ते हैं। जब इन बंधनों को आप काटते हैं तो आप आत्मा की ओर बढ़ते हैं। तो अहंकार भी एक बंधन है, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। चित्त भी एक बंधन है, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। बुद्धि भी एक बंधन है, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है, और मन तो है ही। तो ये इन सारी क्रियाओं को कैसे रोका जाए, कैसे निरोध किया जाए, आप वैराग्य करिए, आप अभ्यास करिए, और इन सब के माध्यम से जो तमाम तरह की बाधाएं हैं उनसे आप मुक्त होइए, और फिर आत्मस्वरूप को आप प्राप्त करिए, मोक्ष को आप प्राप्त करिए। तो अपने आप को कैसे आप पहचाने, यह सारा का सारा प्रयास जो है वह उस दिशा में ले जाता है। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे पास जो शब्दावली भारतीय चिंतन में जो उपलब्ध है, जिन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, ज्ञान को लेकर के, बुद्धि को लेकर के,
अहंकार को लेकर के, चित्त को लेकर के, वो बड़ी प्रचुर मात्रा में वो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है और उन विशेषताओं का स्वरूप भी हमारे पास उपलब्ध है कि वो क्या क्या कार्य करते हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन है उनमें उनका विवेचन किंचित भेद के साथ हमको प्राप्त होता है। बहुत बारीक, बहुत महीन भेद उसमें किया गया है। आप मीमांसा को लीजिए तो प्रभाकर मीमांसा, भट्ट मीमांसा, आप हर जगह जो है उसमें भिन्नता पाएंगे कि नहीं, यहाँ पर तर्क के आधार पर तो यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। जैन बौद्ध वो भी दूसरे प्रकार से इस सबकी व्याख्या करते हैं। अब सबसे बड़ी झंझट हो जाती है कि बौद्ध जो है वो आत्मा को नहीं मानते, और यहाँ यह है कि भाई आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। वेदांत जो है पूरी तरह से यही कहता है कि स्वयं प्रकाश ये आत्मा का स्वरूप है, प्रकाश वहीं से प्रकाशित तो होता है, उसी के प्रकाश से ज्ञान जो है वह प्राप्त होता है। और सांख्य योग को आप लें तो वहां पर जो चर्चा मिलती है, उस चर्चा को अगर आप देखें तो प्रकृति के ये जो विभिन्न गुण है और इसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है और इसका भी संबंध, इसका भी प्रतिबिंब आत्मा में पड़ता है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आत्मा जो है वह निष्क्रिय है लेकिन आत्मा का स्वरूप चैतन्य रूप है और प्रकृति जो है वह जड़ है। तो जब इन दोनों का संपर्क होता है तभी काम बनता है, तभी बात होती है, तभी व्यवहार होता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करके हम मनोविज्ञान का, क्योंकि मनोविज्ञान वस्तुतः इन्हीं चारों का विस्तार है, अहंकार का, बुद्धि का, चित्त का और मन का, इन्हीं का विस्तार जो है समग्र मनोविज्ञान, जो पश्चिम मनोविज्ञान भी है वो भी सब का सब, उसकी सारी प्रक्रियाएं इसमें अंतर्भूत है। यह अवश्य वहां पर किया गया है कि इनको प्रकट रूप में व्यवहार के स्तर पर अभिव्यक्त रूप में कैसे देखा जाए। कुछ विशेष तरह के नए कार्य भी हो रहे हैं और वो न्यूरो साइंस में बड़े गंभीर अध्ययन हो रहे हैं जिनमें कई बातें ज्ञात हो रही हैं कि भौतिक पदार्थ से जो इंद्रियों का संबंध होता है और वहां से सूचना मस्तिष्क की ओर जाती है और मस्तिष्क के अंदर पहुंचने के पहले ही उसका कुछ एक तरह की छवि निर्माण होती है, एक रिप्रेजेंटेशन बनता है और फिर वह रिप्रेजेंटेशन मस्तिष्क में जो क्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है और मस्तिष्क और जो शरीर है उन दोनों के बीच में, दोनों ओर से है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप, दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं घटित होती। केवल यही नहीं है कि ग्राहकों से, रिसेप्टर्स से, ज्ञान इंद्रियों से सूचना जाती है बल्कि ऊपर से मस्तिष्क से भी सूचना जो है नीचे की ओर आती है। तो ये प्रक्रिया जो है वह सतत चलती रहती है। इन दैहिक प्रक्रियाओं के बारे में काफी ज्ञान हुआ है और वो जो जानकारी है उसका संबंध जो अन्य सिद्धांत है जो कि बाह्य व्यवहार से जुड़े हुए हैं और जो बाह्य व्यवहार के अध्ययन को ही आधार बना करके सारे सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, मनोविज्ञान का जो अधिकांश है वह बाह्य व्यवहार को ही लेकर के केंद्रित है और उसी में वो सारी रचना, वहां भी प्रेरणा शब्द है। बुद्धि से तो हम सब लोग परिचित है ही हैं, इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस की टेस्टिंग होती है, इंटेलिजेंस के टेस्ट बने हुए हैं। अब वहां भी एक नया शब्द आ गया विजडम,
उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। तो केवल बुद्धि नहीं है, कॉम्पिटेंस यह भी एक शब्द है, उसका भी मापन, उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। और एक और पक्ष उसका बड़ा महत्वपूर्ण जो दिख रहा है वो ये है कि यह जो बुद्धि है वह केवल ज्ञान या मात्र जिसे आप कहेंगे कॉग्निशन, उसी से जुड़ी हुई नहीं है। इस बुद्धि के अनेक रूप हैं। अब बुद्धि का कोई एक तत्व न मान करके अनेक तत्वों वाले बुद्धि के सिद्धांत की बात हो रही है, यह भी पुरानी बात हो गई, कोई नई बात नहीं है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी है, सोशल इंटेलिजेंस भी है और बॉडीली इंटेलिजेंस भी। तो इंटेलिजेंस के 9-10 रूप जो है लोग पहचान रहे हैं, उनका मापन कर रहे हैं, लोगों में उनकी भिन्नताओं को पहचान रहे हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं ताकि देख सके किसमें किस तरह की बुद्धि अधिक मात्रा में है, किसमें कम मात्रा में है। तो वह उस प्रकार का चिंतन वहां पर विकसित हो रहा है। और इसके साथ ही साथ एक बहुत व्यापक ढंग से शौक, जो मैं कहूंगा कि जो अहंकार नामक तत्व है उसका ही जो विस्तार है, क्योंकि आप अपने व्यवहार में भी यह पाते हैं कि मनुष्य की यह अद्भुत विशेषता है, वह सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। मैं अपने बारे में जानता हूं, तो मैं जिस अपने बारे में जानता हूँ, आई जो है वह मी के बारे में जानता है, तो आई जो है वह जानने वाला सब्जेक्ट है और मी के बारे में जाना जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो आप अपना प्रत्यक्ष भी करते हैं, आप अपना अनुभव भी करते हैं, आप अपनी जानकारी भी रखते हैं और अपने को संचालित भी करते हैं। आपने निश्चय किया, आप बैठ करके सुनेंगे, हमने निश्चय किया और फिर उसका हम व्यवहार कर रहे हैं। तो अहम का जो भिन्न भिन्न स्वरूप है, छोटे आत्म के रूप में, सेल्फ के रूप में, जो सेल्फ आत्मा के रूप में नहीं है, आपके अपने सीमित प्रत्यक्ष के रूप में है। तो यह जो हो इसका विश्लेषण किया जा रहा है और उसकी तमाम विशेषताओं की गणना की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। एक पक्ष उसका विषय, मैं कहना यह चाहता हूँ कि अहंकार एक बड़ा व्यापक विषय है और उसकी तमाम अभिव्यक्तियां छोटी छोटी तमाम सारे पक्ष हैं। मैंने कहा जैसे कॉम्पिटेंस हुआ, यह भी उसके अंतर्गत अध्ययन का विषय है। तो तमाम तरह की जो प्रेरणाएं हैं वह भी कहीं अहम से जुड़ जाती हैं। और जिन तमाम सारी क्रियाओं का हम उल्लेख करते हैं, बड़ी भारी सूची आप ऐतरेय ब्राह्मण में देखिए, श्वेताश्वतर में देखिए, तमाम जगह इसका उल्लेख मिलता है कि मत भी है, धृति भी है, री भी है, श्रद्धा अश्रद्धा तमाम सारा उसमें विवरण दिया हुआ है। ये सारे तत्व जो हैं, ये फंक्शंस हैं कि ये मन जो है वह क्या क्या काम करता है, यह भिन्न भिन्न प्रकार के काम। तो सांसारिक जगत में जो व्यावहारिक जगत है, हम लोग बात करते ना कि एक व्यावहारिक है वो एक पारमार्थिक है, तो व्यावहारिक जगत ही मनोविज्ञान, जो आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान की परंपरा है, वह वहीं तक रहता है, वह उससे आगे नहीं जाता। भारतीय मनोविज्ञान या भारतीय मानस शास्त्र जो है वह हमारे अस्तित्व को उससे व्यापक करता है, आत्मा को शामिल करके। और आत्मा की क्या भूमिका है और हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा का स्वरूप यदि है और उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सारा विश्लेषण जो है वह हमको यहाँ से प्राप्त होता है। तो समग्र जीवन का जो विस्तार है, जिसे केवल आप भौतिक सांसारिक जगत
तक ही सीमित नहीं रखते हैं, ये हमारे पास विकल्प है कि हम यह अगर मानते हैं कि इसका संबंध केवल सांसारिक जगत से है तो एक प्रकार का आप व्यवस्था या वितंडा जो भी कह लीजिए, आप एक नाटक खड़ा करिए, सारी दुनिया जैसे चाहिए वैसे आप चलाइए। और दूसरी ओर यदि आप यह मानते हैं कि नहीं यह यथार्थ नहीं है, यह सत्य नहीं है, यह एक आभासी दुनिया है, सत्य की दुनिया कोई दूसरी है, मेरे मन में एक और विचार आता है। मनुष्य जो है वह दोनों भावों को रखता है, वह परमार्थ वाला भी है, आत्मा वाला भी है और इस संसार वाला। मगर जो सचेत व्यक्ति होगा वह यह मान करके कि हम आत्मा स्वरूप हैं, यह चेतना रखते हुए यदि संसार में हम व्यवहार करते हैं, यदि हम इसके विपरीत मानते हैं कि ऋणम कर्त्वा घृतम पिबे भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, तो यदि यही है तो खाओ पियो मौज उड़ाओ। मगर यदि आप यह मानते हैं कि नहीं यह सत्य नहीं है, यह अनुभव करते हुए यह भेद करते हुए इस बुद्धि के आधार पर यदि हम आचरण करते हैं तो यही शायद धर्म का आचरण हुआ, तो यह चेतना कि हम किसी दिव्य सत्ता के अंश हैं और हमारा भविष्य कहीं दिव्य सत्ता की ओर उन्मुख होने का है, यह संसार भी उसका उपकरण हो सकता है क्या? अगर आत्मा का विस्तार है, अब आप देखें ईशावास्योपनिषद यही कहता है जो कुछ भी है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम् जगत्, यह पूरा जगत जो है ईश्वराच्छादित है, ईश्वरमय है, इसमें बचा कि इसमें हमारा क्या है? महात्मा गांधी ने इस केवल एक इस ऋचा को इस श्लोक को कहा कि सारा उपनिषद खत्म हो जाए, केवल एक यही बचा रहे तो संसार बच जाएगा, इसी को अगर ध्यान में कोई रखे, इसके आधार पर उनका कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, तेने तक तेने भुंजी था, तो भैया इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। उन्होंने कहा कि हम ट्रस्टी हैं, ये एक भाव उस विराट चिंतन से ये करके आता है, और शायद यही आचरण के लिए हम सब लोग इस जीवन में अर्जुन की ही भूमिका में हैं, और ज्ञान का अभाव है, और वह ज्ञान का अभाव यही है कि हम अपने को जिस मरण धर्मा स्वरूप को देख रहे हैं और उसी स्तर पर जिन आकांक्षाओं जिन इच्छाओं को लेकर के डूब रहे हैं उतरा रहे हैं, जिस भ्रम में हम डूबे हुए हैं वह कहीं ही बहुत लंबी दौड़ तक हमको नहीं ले जाने वाला, तो हमको सचेत होने की आवश्यकता है। और वह सचेत होने की आवश्यकता जो अनुभव करता है वह यह विचार करेगा कि हम और जो अन्य हैं इनके बीच में वो जोड़ने वाला तत्व है, लोक और हम के बीच में जोड़ने वाला कोई तत्व, आत्मा नामक कोई तत्व है जो कि सबका आधार है, तो उस व्यापक आधार जो कि शेयर्ड है सबके साझे का है, तो उस सत्ता को स्मरण करके जीवन संपादित करना ये एक भिन्न प्रकार के व्यावहारिक जीवन का आधार होगा, जिसमें परोपकार भी होगा, दूसरे की चिंता भी होगी। और शायद इसीलिए बार बार इस बात को गीता में एक शब्द जो है वो बार बार आया है, युक्त होने के लिए, और युक्त होने के लिए बार बार कहा जा रहा युक्ताहार विहार। तो युक्त अगर आप हैं, युक्त चेष्टा ठीक ठाक अप्रोप्रिएट समत्व, तो कहीं न कहीं इस तरह के संतुलन की जो आकांक्षा, वेद में भी
सम धातु सम क्रिया सब कुछ सम पर ले आने की जो चिंता है और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करने का जो यत्न है, वहां पर तेजस्व सात्म की भी बात है कि आप जो जीवन चर्या अपनी रखते हैं वो ऋतु के अनुकूल है। तो कहीं इस तत्व की तलाश, और आयुर्वेद में भी तो पूरी तरह से इस बात को स्थापित किया गया है, गीता में भी आप देखिए तो सत्व रजस तमस इन तीन की अभिव्यक्तियां आप ज्ञान दान तप भोजन सब में आप इन तीनों की जो उसके स्वरूप के अनुसार भेद जो है जगह जगह किए गए। तो प्रकृति इस तीन गुणों वाली है और इन तीन गुणों के ही अंतर्गत हम लोगों का संचालन हो रहा है, और विवेक अगर उपजता है और उस विवेक को उपजाने के लिए योग की व्यवस्था है और उसके भी अनेक पथ बताए गए, ज्ञान भी है कर्म भी है भक्ति भी है, तो उसके द्वारा आप युक्त होइए। तो मन जो है वह यदि विषय की ओर उन्मुख हो गया, उधर चला गया और उसी की सारी व्याख्या हम करते रहे, उसी के अनुरूप संचालन करते रहे, तो एक प्रकार का मनोविज्ञान विकसित होगा जो प्राय हम लोगों का है, इतना अकाउंट हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम, ये सब कुछ हम इस धरती पर इस समाज में इन परिस्थिति में हम बनाए हुए हैं, उसको संचालित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह बड़ा स्पष्ट है, घनघोर रूप से स्पष्ट है कि यह शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, इसकी क्षमताएं क्षीण हो रही हैं, और ये जगत भी इसी प्रकार का है कि समाप्त होने वाला है, क्षरणशील है, और है कोई जो कि इन सब का साक्षी है। हम बचपन से और अब तक 70 वर्ष की उम्र में नाना प्रकार के अनुभव करते रहे, शरीर का आकार प्रकार रंग रूप क्षमताएं इन सब में परिवर्तन हुआ, मगर कोई एक चैतस्य भाव है जो हमको यह अनुभव कराता है। हमने संकल्प सूत्र की बात की थी, मैं उसे पुनः आपके सामने रखना चाहूंगा। जाग्रतो दूर मुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो जागते हुए पुरुष का दूर चला जाता है, सोते हुए का वैसे ही निकट आ जाता है, जो परमात्मा के साक्षात्कार का प्रधान साधन है, जो भूत भविष्य वर्तमान सन्निकट व्यवहृत पदार्थों का एकमात्र ज्ञाता है, जो विषयों का ज्ञान प्रदान करने वाले श्रोत्र इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक एवं प्रवर्तक है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी हो, भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो, शिव संकल्प से युक्त हो, ये कामना की जा रही थी। और भी बड़ा मजेदार है, आप देखिए इतना सुंदर है साक्षी भाव, रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। भाई जो बाहर की चीज दिखाई दे रही है उसको आंख देख रही है, तदृश्यम दृक् तुमानसम, और जो आंख दे रही उसको हमारा मानस देख रहा है। दृश्याधि वृत्तय साक्षी दृगई हुआ न तो दृश्यते, तो बुद्धि उसको देखेगी मगर उन सबको देखने वाला साक्षी कौन है वो नहीं दिख। होने पर भी है, हमको इसका जो चेतना का जो भाव है
उस चेतना को कहीं शरीर के किसी अंग में तो स्थापित नहीं किया जा सकता। वह है लेकिन शरीर में उसको आप बैठा नहीं सकते। यह है बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिए यह विचार महत्वपूर्ण है कि हम यह देखें कि यह आत्मभावित चैतस्य चेतना युक्त जो हमारा स्वरूप है वह किस प्रकार का है। शायद इस चैतन्य के भाव के ऊपर जो मलिनता आ जाती है वह मलिनता जगत की ओर संसार की ओर अत्यधिक जो बल हम देते हैं उसके कारण आती है। मन की भूमिका इन दोनों के बीच में है। मन पर इधर का भी प्रभाव पड़ता है उधर का भी प्रभाव पड़ता है, आत्मा का भी प्रभाव पड़ता है और इंद्रियों का भी प्रभाव पड़ता है। और विवेक जो है वह इसके नियंत्रण की अपेक्षा करता है। बुद्ध का जो धम्म पद है और पूरे गीता में भी इस बात की बार बार चर्चा हुई है, धम्म पद में पूरा एक चित्त वग्ग है, फंदनम चपलम चित्तम दुरखम दुर्निवारयम उजुम करोति मेधावी उसुकारो व तेजनम। चित्त चंचल है, चपल है, दुर्रक्ष है, दुर्निवार्य है, मेधावी पुरुष उसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। अब इस मन को साधने की चिंता सबसे अधिक है। जिस मन की बात हो रही है, अंतःकरण अगर केवल ज्ञान को देने वाले उपकरण के रूप में अगर रखते हैं, यह एक स्थिति है, एक प्रकार का उसका स्वरूप है, लेकिन मन जो है वह संचालित करने लगता है और यह जो है वह जो संचालित करने का भाव है उस संचालन में विषय की जो चेष्टा है, विषय का जो प्रभाव है वह अधिक प्रभावित कर रहा है या चैतस्य प्रभाव प्रभावित कर रहा है, यहीं पर लड़ाई सबसे अधिक दिखाई देती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, यही हमारा सबसे बड़ा कष्ट है। तो यह जो अंतःकरण है वह मात्र करण नहीं है, जो जानकारी देने वाला मात्र नहीं है, मन की जो व्याख्या मुझे दिख रही है वो यह है, मन जो है वह एक सूत्रधार का काम करता है। मन सूत्रधार का काम करता है, वह केवल जानकारी देने वाला नहीं है, केवल प्रत्यक्ष करने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है और उस आत्मा के प्रतिबिंब होने के कारण चैतस्य भाव उसी का एक पक्ष हुआ कि अहंकार का भाव आ जाता है, कर्तृत्व का भाव आ जाता है। और ये एक बड़ी भारी चुनौती है कि अंदर ही अंदर ये इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की लड़ाई, इतनी भिन्न भिन्न प्रकार का संघर्ष हो रहा है, इसलिए उसे समझना बड़ा आवश्यक है। तो चैतस्य का प्रतिनिधित्व रूप व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता जिसमें आ जा रही है वह जो मन है, इसीलिए कहा शिव संकल्प वाला होना चाहिए, वह अशिव नहीं होना चाहिए। बड़ी सुंदर वो 6 श्लोक हैं लेकिन अद्भुत है, उसमें बहुत सारी बातों और मन मन को नियंत्रित करने के लिए पूरे जैन में या विपासना में हर जगह जो लेख आ रहा है, जो प्रयास किया जा रहा है, चित्तवृत्ति निरोध की बात की जा रही है, वहां पर मन जो है वे बड़े कुटिल कह लीजिए या बड़ा कठिन कह लीजिए, दुर्निवार्य कह लीजिए, बड़ी भारी सत्ता के रूप में हमारे पास हमेशा मौजूद रहता है। तो उसको कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए तो भाई हर आदमी कहता है कि सत्संगति हो, ज्ञान हो,
कहीं न कहीं से उसको नियंत्रित करना बड़ा आवश्यक है। और उस और उसका स्वरूप इस प्रकार का है कि जैसे जल में नौका पड़ी हुई है और वायु से बहा ले जाती है, वैसे ही वही बहा ले जाने वाला है मन जो है उसी तरह चला जाता है। उसी तरह ये मन जहाँ जाता है उसी का हो जाता है, उसी दिशा में चला जाता है। तो उस उसको उसका निग्रह कैसे किया जाए, वैराग्य उसके लिए कहा गया, अभ्यास उसके लिए कहा। तो मन जो है वह हमारे पास एक बड़ी भारी शक्ति है, तभी तो कहा गया कि वो बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। उसको अगर आपने नियंत्रित किया तो मोक्ष हो गया, और नहीं नियंत्रित किया तो वो बंधन हो। इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, इसको नियंत्रित कैसे, कब्जे में कैसे रखा जाए, यह एक बड़ा बड़ी भारी चुनौती है। और सारे जो शास्त्र हैं वो इसी से जूझ रहे हैं व्यवहार के स्तर पर। प्रत्यक्ष और ज्ञान और उसके लिए उपकरण के रूप में उसकी सत्ता है, वह तो एक पक्ष होगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अंतःकरण बराबर मन, और उस मन के अंतर्गत ये चारों आते हैं। यह मन छोटा वाला भी है और अहंकार भी है और बुद्धि भी है और चित्त भी है, और यही सारे मानसिक जगत, सारे मानसिक व्यापार को समाविष्ट करने वाला है। यदि हम श्रद्धा अश्रद्धा धीरे इन सारी प्रक्रियाओं को अगर आप एकत्र करें और देखें तो एक बहुत अच्छा सैद्धांतिक स्वरूप जो है विकसित हो सकता है। और यह कि मन को साधने की जो पद्धतियां हैं वह किस प्रकार की हैं, मनोविज्ञान जो आधुनिक है वहां भी सेल्फ रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन कि कैसे उसको नियमित किया जाए, यह जो है उनकी समस्या है, इस पर विचार किया जा रहा है। हमारे यहाँ इनकी तमाम सारी पद्धतियां विकसित हैं, लेकिन हम उनको भय खा करके और उसे कपोल कल्पना मान करके छोड़ देते हैं। अगर यह एक विचार का प्रश्न है कि अंतःकरण को केवल करण, बाह्यकरण और अंतःकरण के रूप में नहीं, बल्कि इस एक सशक्त साधन के रूप में जो कि हमको जीवन के संचालित करने में सहायक होता है और बाधा भी पहुंचाता है, उसके साथ कैसे डील किया जाए और उसका फंक्शन कैसे व्यवस्थित किया जाए, यह जो है हमारी चिंता का प्रश्न है। और बहुत समय से यह ये सारे प्रश्न जो हैं वह उठाए जाते रहे हैं। और यदि आप देखें तो आप पाएंगे कि ये मन में इच्छा तो बहुत पहले से थी। केन शीतम पतति प्रेषितम मन, केन प्राण प्रथम अप्रैति युक्त, केन शीतम वाच मीमां वदन्ति, चक्षु श्रोत्रम कौदेवो भुनक्ति, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोजता वाचो हवाचम सौ, प्राणस्य प्राण चक्षुष चक्षु। कहने का हमारा अर्थ यह है कि उपनिषद काल से ही जो हमारा चिंतन है वह इस तरह की परीक्षाओं से युक्त है, इस तरह की जिज्ञासाओं से युक्त है, इसको समझने की कोशिश है, यह जानने की कोशिश है कि यह सत्य क्या है, कहाँ से यह आ रहा है। और उन सबकी व्याख्या अंततः कहीं न कहीं चेतना आत्मा पर, वहीं पर उसका पर्यवसान होता है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको समझना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। अंत में मैं दो एक बात योग वाशिष्ठ की यहाँ पर रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे व्यापक उल्लेख जो है वहीं पर है कि आत्मा की जो संकल्प शक्ति है वह मन है, उसकी शब्दावली में यदि रखा जाए। और वह आत्मा से संकल्प, संकल्प की भावना, भावना से क्रिया, उससे विषय का संबंध स्थापित होता है,
और जैसा कि मैंने बताया अभिनेता वाला जो विचार है वो उसी का है। तो बुद्धि अहंकार चित्त कर्म कल्पना स्मृति वासना अविद्या माया प्रकृति ब्रह्म जीव ये सारा का सारा विश्लेषण वहां पर मन से ही जोड़ा गया है। और इसके साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस मन का निरोध किया जा सकता है और उसके द्वारा तमाम तरह की सिद्धियां भी हो सकती हैं, उपलब्धियां भी हो सकती हैं, मुक्ति भी हो सकती है। तो मन या अंतःकरण, यह अंतःकरण चतुष्टय जो है वही मानस का स्वरूप मुझे प्रतीत होता है और मानस की सारी शक्तियां सारी प्रक्रियाएं सारे फंक्शंस सारा मनोविज्ञान जो है वह इसी में समाहित होता है। लेकिन यदि किसी यदि इसका आधार केवल भौतिक आधार के ही रूप में हम रखते हैं उसी जगत से संबंध रखते हैं तो यह अपर्याप्त होगा, यह मानवता के हित में नहीं होगा। आत्मा का आधार अगर लेते हैं तो यह संभावना बनी रहती है कि हम दूसरे का भी हित कर पाएंगे अपना भी कल्याण कर पाएंगे। मैं अभी यहीं पर अपनी बात रोकता हूं और भी बहुत सारी बातें हैं इतने कम समय में इन सबका विवरण देना असंभव है और जितना विवरण हमारे आशुतोष जी ने शुरू की स्लाइड में दे दिया था वो तो गागर में सागर उन्होंने भर दिया था, उनका विवरण हमने नहीं दिया और उनको अगर आप देखें तो और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर कहने की हैं। अभी आप और इस पर टिप्पणी और आपके प्रश्नों की अपेक्षा है मुझे। धन्यवाद जी सर। धन्यवाद सर। आपने जो इसको दिशा दी है वो मेरे लिए तो नितांत वो महत्वपूर्ण है। योग वशिष्ठ को मैंने देखा था और उसको मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा और आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि उसको मैंने काउंसलिंग टेक्निक में एडप्ट किया था। जो 5 प्रकार के काउंसलिंग टेक्निक्स भारतीय परंपरा में उपलब्ध होते हैं ये बात बिल्कुल आपकी उचित और युक्ति संगत थी और आपने एक तरह से मुझे दोबारा उसको स्मरण दिलाया है कि ये 5 प्रकार की परामर्श पद्धतियां जो हैं वो हमारे डिपार्टमेंट ने विकसित की, उनका प्रयोग भी किया और विशेष रूप से कोरोना में, और ज्यादा तो नहीं हम कर पाए लेकिन 28 जो कैडेट्स थे एनसीसी के कैडेट्स उनकी काउंसलिंग हमने इन्हीं शास्त्रों के आधार पर की और उसका डाटा भी हमने इकट्ठा किया और उसके सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिले। ये जो आपने योग वशिष्ठ की बात की ये वाकई वो बड़ी युक्ति संगत और बड़ी मजेदार बात है और उसका पूरा प्रसंग जब देखते हैं तो राम की अकर्मण्यता उदासीनता उचाटपन वो जिस तरह की सारे वैराग्य की बात करते हैं और उसके जिस तरह से वो हैंडलिंग करते हैं वो बेहद सुंदर एक अपने आप में मनोविज्ञान का उदाहरण है। तो उसके लिए तो आभार है आपका, आपने एक बार पुनः मुझे वो स्मरण दिला दिया। उसके अतिरिक्त ये जो मन को लेकर के ही, क्योंकि सारा खेल तो काउंसलिंग का मन का ही है, अगर संस्कृत के लोग या भारतीय परंपरा से जुड़े हुए लोग अगर विषाद के लिए गीता की पद्धति का प्रयोग करें, अप्लाइड वो उपदेश नहीं लेकिन अगर उसकी एप्लीकेशन को करें और योग वशिष्ठ से लें और त्रिपुरा रहस्य सामान्य रूप से लोगों ने नहीं सुना होगा ग्रंथ के विषय में, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसकी खूबसूरती ये है कि पत्नी अपने पति का किस तरह से काउंसलिंग करती है। लगभग 36 स्टेप्स हैं उनमें काउंसलिंग के, 1, 2, 3, 4 करते हुए उससे चर्चा करते हुए किस तरह से अपने पति को जो है वो सारे उससे अवसाद से मुक्त करती है और उसके सारे भ्रमों का निवारण करती है। जानने योग्य और पढ़ने योग्य ग्रंथ है। और फिर दुर्गा सप्तशती अपने आप में काउंसलिंग की है जिसकी चर्चा, हालांकि सीधा नाम नहीं लिखा है, लेकिन जब हमें भौतिक पदार्थों के खोने का दुख होता है तो वहां पर जाकर के आप उससे फिर भी आप मुक्त नहीं होते,
तो दुर्गा सप्तशती काउंसलिंग के लिए से बेहतर कुछ नहीं। और अंतिम जो है वो मूर्ख पद्धति, मूर्ख व्यवहार को करेक्टिव मेथड्स के लिए आप पंचतंत्र की पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि काउंसलिंग के ऊपर भी मेरी बड़ी इच्छा है कि डॉक्टर साहब कभी बात करें, समय हमारे लिए निकालें और उसके ऊपर दिशा निर्देश दें। तो ये मतलब इन चीजों के ऊपर हमें निश्चित रूप से काम करना चाहिए और बहुत सारा स्कोप है इन चीजों के ऊपर काम करने के लिए और दिशाएं भी मुझे लगता है बहुत सारी उपलब्ध हमारे पास हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने को पूछूं या प्रश्न रखना चाहूं, तो उससे पूर्व जितने भी प्रतिभागी हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा, कोई अपनी टिप्पणी भी करना चाहे तो उनका भी स्वागत है। प्रश्न हो तो बहुत ही सुंदर बात है, नहीं है तो अपनी टिप्पणी आप रख सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके डॉक्टर साहब के लिए कोई भी प्रश्न जो है, किसी भी प्रतिभागी का किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न है, टिप्पणी है तो। हेलो जी मैम। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी मैम, नीरज शर्मा जी जालंधर से जी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी सर, मैंने सर ये पूछना था कि जो हम साइकोलॉजी अभी पढ़ा रहे हैं कॉलेजेस में या विश्वविद्यालयों में या प्लस वन प्लस टू में भी कहीं कहीं साइकोलॉजी है, तो क्या उसमें 50% जो सिलेबस है वो भारतीय मनोविज्ञान का साथ अटैच हो सकता है? ये एक औपचारिक व्यवस्था का प्रश्न है और यहाँ पर हाँ या ना में उत्तर देना कठिन है। कौन सा अंश 50% में आप डालेंगे और वह उसके विरोध में होगा या उसके पक्ष में होगा, ये सब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। मेरा ख्याल है कि इसके कुछ अंश अवश्य जो है वह जो कि निर्विघ्न रूप से और बिना कठिनाई के दिए जा सकते हैं। आप गीता का कुछ अंश दे सकते हैं, उसका दूसरा अध्याय रख सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कठोपनिषद का कुछ अंश दिया जा सकता है, चरक संहिता का कुछ अंश दिया जा सकता है, कुछ ऐसे मानक स्रोत ग्रंथ हैं जहां पर कई महत्वपूर्ण बातें। तो ये 50% का मुझे नहीं लगता कि ये कोई फार्मूला इस प्रकार का होगा, लेकिन उसका कुछ अंश अवश्य दिया जाना चाहिए और इन विचारों का उपयोग तो किया जाए तो लाभकारी होगा। जी सर जी। मैम नीरज, मैडम नीरज के बारे में सर आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनका कॉलेज ऑटोनमस कॉलेज है और वहां पर इन्होंने संस्कृत के साथ पहला प्रयोग ये किया है पंजाब हरियाणा हिमाचल में, जहां पर संस्कृत को थ्योरी और प्रैक्टिकल के फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है और बच्चों को थ्योरी और प्रैक्टिकल के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो ये बड़ा ही एक प्रशंसनीय इनका उद्यम है। मुझे 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 बड़ी प्रसन्नता होगी और मैं इसके लिए अपनी सेवा देने के लिए तैयार हूँ कि जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन करके और समुचित रूप से कौन सा अंश वहां पर पढ़ने के लिए भारतीय मनोविज्ञान का रखा जाए इस पर विचार करके हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं और जितनी आवश्यकता होगी वहां पर उसे प्रस्तुत किया जाएगा। जी धन्यवाद सर। मैडम नीरज आपने भी एक नया मार्ग खुला है और मैं चाहूंगा कि आप जो अपना बोर्ड ऑफ स्टडीज जिस वक्त भी उसको रिवाइज करते हैं तो डॉक्टर साहब को उसमें जरूर शामिल करें, उनकी राय लें और इस विषय को अगर आप लागू करें तो मैं मुझसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को नहीं होगी। ये सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो साइकोलॉजी के भी टीचर्स हैं यदि वो साइकोलॉजी वाले भी इस पक्ष में कुछ अंश अपने डालें तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? मैडम नेतृत्व ये तो आप साइकोलॉजी वालों की अपनी कंडीशनिंग है। देखिए मेरा विचार यह है कि उनको क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है इसकी समझ है और इसमें कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि लाभदायक हैं या भी वो ग्रहण कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कठिनाई होगी।
उनके सामने बात रखी जाएगी और ज्ञान और विशेष रूप से मनोविज्ञान वगैरह तो विकसित होने वाला विषय है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से सिद्धांत है। इतने प्रकार की विविधता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहां पर इसके लिए स्कोप या अवसर जो है वो नहीं होगा। तो हम प्रयास करेंगे और अवश्य ये अच्छाई के लिए प्रयास होगा, या कहीं उसमें बाधा नहीं बनेगा उनके अच्छे ज्ञान में। तो मैं आपको बताऊं, दिल्ली विश्वविद्यालय के एमए के पाठ्यक्रम में मैंने यह एक प्रश्न पत्र कह लीजिए या पेपर कह लीजिए, कोर्स हमने तैयार किया और हमने पढ़ाया और 55 विद्यार्थी उसको ग्रहण किए पढ़े, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विरोध है। वह और भी मनोविज्ञान पढ़ रहे थे और यह भी उन्होंने अपने अध्ययन का विषय बनाया, तो ये तो, और इसके लिए पुस्तकें वगैरह भी हमने तैयार की। ये इसमें चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, ये पुस्तक, कई पुस्तकें हैं जो तैयार हो चुकी हैं, जो उपलब्ध भी हैं, और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जी सर, इस तरह के सर आपके इस आश्वासन से मुझे बड़ा संतोष मिला, क्योंकि इस तरह के कुछ एक प्रयास मैंने किए और अपने से संबंधित यूनिवर्सिटी में मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह भी दी थी, लेकिन मैंने वहाँ पर साइकोलॉजी और कुछ एक लोगों में जिनसे भी मैंने बात की, ज्ञान के प्रति उत्सुकता का नितांत अभाव मुझे जो दिखाई दिया उससे बड़ी निराशा हुई। ठीक है कह करके वो चला देते हैं, लेकिन एक तरह से जैसे सुनने का वो एक प्रक्रिया होती है कि वे कान खुले हैं लेकिन अंदर से बंद हैं, वो इस तरह से वो सुनने का उनका रहता है। तो इस की सफलता प्राप्त करना थोड़ा सा दुष्कर कार्य है व्यवस्था में, तो लेकिन ये है कि ठीक है, जो हमसे हो सकता है वो तो करेंगे, और आपकी इस बात से मैं बड़ा आश्वस्त हूँ और मुझे लगता है कि ठीक है, हम जो कर सकते हैं वो तो करेंगे जब तक मैं रिटायर नहीं हूँ। मैं आपको जी सर, जो आपका कार्य है उससे मैं परिचित हुआ हूँ और मैं उसे देख भी रहा हूँ, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं, और अभी जो UGC का BA का पाठ्यक्रम तय हुआ है और एक विशेष तरह का जिसमें जिसे कहते हैं ना कि लर्निंग आउटकम बेस्ड, जी सर आपने देखा होगा, जी जी, तो उसमें आप मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम जो UGC का है उसमें हमने पूरा का पूरा यह सब रखा है जी, बहुत सारे अंश इसके हमने रखे हैं जी सर, धन्यवाद। तो सुखदायी प्रक्रिया में भी इसका अध्ययन जो है वह अपेक्षित है जी सर, तो हम पूरा इसका यत्न कर रहे हैं कि ज्ञान तो अनुभद्रा कृतोयंतु विश्वता, जहाँ भी अच्छे विचार है उन सबको ग्रहण करना चाहिए जी सर। और ऐसा है कि जब चीजों का अभ्यास नहीं रहता है तो बड़ा खराब लगता है लोगों की, ये सब क्या बता रहे हैं, और जिस चीज का अभ्यास रहता है चाहे वो व्यर्थ भी हो तो वो बड़ा प्रिय लगता है जी सर। ये तो विवेक विकसित अब नहीं हो पाया है, प्रयाग की जो परंपरा है कुछ इसी प्रकार की है, तो उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है जी सर। प्रोफेसर आरके गुप्ता जी, कुछ आपका कोई प्रश्न है? डॉक्टर आशुतोष जी, मेरा भी एक प्रश्न रहेगा जी सर, प्लीज डॉक्टर गुप्ता पूछ लें हाँ जी, डॉक्टर गुप्ता जी आपका प्रश्न बंधु रख रहे हैं जी जी। अशुतोष जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो, हाँ जी सर आवाज आ रही है, आप रखिए अपना प्रश्न। मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल सर, सर आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न रखें। एक निवेदन है जी सर, वो कल भी मैंने किया था जी, लेकिन आज मैं उसके प्रति और आग्रह करना चाह रहा हूँ।
जी कि मनोविज्ञान के बारे में हमारे विद्यार्थियों को बताया जाना बहुत आवश्यक है। कैसे वो आज देखते हम जो कोकुर एक्टिविटीज के बारे में स्ट्रेस मैनेजमेंट इस तरह की बातें होती हैं, तो यदि आप कुछ ऐसा लिख कर दे दें। जी जी एक जी बहुत आवश्यक है। और अंत में एक छोटी सी बात कहूंगा मन को लेकर, मुझे सिर्फ साहिल लुधियानवी के दो कलाम याद आ रहे हैं सर, मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह ना जाने तू क्यों मोह करे। और दूसरा उन्होंने कहा एक बार, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे को देखे और दिखाए। बताया हमें, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ सर कि कुछ इसके ऊपर लिखित में। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो मेरा भी आपसे एक विनम्र निवेदन, आग्रहपूर्ण निवेदन रहेगा कि चाहे एक संक्षिप्त सा ही कुछ इस तरह का भारतीय मनोविज्ञान का जो एक प्रारूप सा जो है वो अगर आप लिखें हमारे लिए। और जी 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 कार्य मैं कर रहा हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं कर सकता हूँ प्रश्न? हाँ जी हाँ जी, संजीव जी प्लीज। धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा, प्रणाम स्वीकार करें। मेरा प्रश्न आपसे है सर, कल मैंने एक प्रश्न किया था डिफेंस मैकेनिज्म पे, और आज का जो प्रश्न है कि आपने एक संदर्भ लिया योग वशिष्ठ का, और योग वशिष्ठ संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करें, संस्कृत भाषा की बात करें, तो दर्शन शास्त्र के रूप में उसको देखा जाता है। विद्वान संस्कृतज्ञ योग वशिष्ठ के किसी पक्ष को या मनोवैज्ञानिक पक्ष को किस प्रकार से लेते हैं, ये अलग से एक शोध का विषय है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब हम भारतीय परंपरा, भारतीय मनोविज्ञान या मानव शास्त्र पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम डिफेंस मैकेनिज्म पे इंद्रियों की जो पकड़ है या इंद्रियों को संतुलित करने का है, हम उस पर आए। तो मेरा प्रश्न ये है कि सर, कंडीशनिंग की जब हम बात करते हैं, तो कंडीशनिंग में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो रीइंफोर्समेंट देके होते हैं। आप उसको कंडीशनिंग, आप अगर चूहे का एग्जांपल लें, तो आप उसको और उसको रीइंफोर्समेंट देके उसकी कंडीशनिंग करा रहे हैं। तो सर, भारतीय परंपरा में ऐसा क्या रहेगा, या गुरुकुल परंपरा में, या जो शैक्षणिक संस्थान है, कि अगर हमें अपने विद्यार्थियों की कंडीशनिंग करानी है, तो उसके लिए क्या हमें दंड का प्रावधान रखना पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं दंड का प्रावधान है, उसको करंट दिया जा रहा है, तो उसको इनाम मिल रहा है, रिइंफोर्स मिल रहा है, फिर उसके बाद उसकी कंडीशनिंग हो रही है। तो ऐसा कोई क्या तकनीक या हमने क्या रास्ता निकाला है, या हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं कि कंडीशनिंग को भी हम अपने तरीके से या सनातनी परंपरा या संस्कृति के अनुसार भारतीय पद्धति के हिसाब से जो युगों युगों से चली आई है ऋषि मुनियों ने या उस चीज को एडॉप्ट किया, तो हम उस कंडीशनिंग को कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब मनोविज्ञान की हम बात करेंगे या हम उसके पैरेलल चीजों को खड़ा करेंगे, तो डेफिनेटली जो अमेरिकन साइकोलॉजी है उसके समानांतर हमें कहीं ना कहीं चीजों को लेकर भी खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि जो टर्मिनोलॉजी है मनोविज्ञान में वो अक्सर अधिकतर अंग्रेजी में है, और जब हम उसको भारतीय भाषा में, अपनी शुद्ध भाषा में करेंगे, हिंदी भाषा में करेंगे, तो बहुत सारी चीजों का अनुवाद भी और नई परिभाषाएं तो आएंगी, तो नई परिभाषाओं के साथ नए तरीके भी आएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि मार्गदर्शन करें कि कंडीशनिंग को हम अपने परंपरा के अनुसार या अपने मत के अनुसार हम कैसे कर पाएंगे सर। आपका प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंडीशनिंग एक प्रकार के सीखने की पद्धति है, प्रोसीजर है, और कंडीशनिंग जैसा कि आपने बहुत सही कहा कि रीइंफोर्समेंट का उपयोग किया जाता है, और
सीखने के और विशेष रूप से मनुष्य के स्तर पर सीखने के जो तरीके हैं वो अनेक प्रकार के हैं, केवल कंडीशनिंग मात्र नहीं है। कंडीशनिंग का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो आरंभ में पशुओं पर हुआ था, कुत्ते पर हुआ था, पैवलाव की कंडीशनिंग का। चूहे के ऊपर जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग का काम स्किनर ने किया था। और सिद्धांत के रूप में उनको पढ़ा जाता है, समझा जाता है। मनुष्य के रूप में सीखने के लिए तमाम तरह की विधियां हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। और अपने यहाँ भी इस तरह की विधियां हैं कि हम कोई चीज ग्रहण कैसे करते हैं, सीखने का आज। और हर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे मॉरिशस हो, कोई भी समाज अगर वो जीवित है और वहां पर संस्कृति अगर जीवित है तो वह बिना सीखने के नहीं होती है। जो अनपढ़ गांव वाले हैं वह भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान जो है वह संचारित होता है, वह आगे बढ़ता है, ट्रांसमिट होता है। तो ज्ञान का ट्रांसमिशन जो है अनेक प्रकार, जैसे अधिकांश जो हमारा सीखना है सामाजिक जीवन में वो मॉडलिंग के आधार पर होता है। हम देख करके करते हैं, दूसरा व्यक्ति कैसे कर रहा है उसको देख करके हम सोच करके अपने ऊपर कर उपयोग में ले आते हैं, अपने अनुभव के आधार पर उसे दोहराते हैं। कंडीशनिंग शब्द उन्होंने दिया, लेकिन वह कंडीशनिंग तो हर जगह होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। और इसी तरह जो मॉडलिंग जिसे हम अंग्रेजी में कह रहे हैं अनुकरण, आप देख लीजिए दूसरे को देख करके आप सीखते हैं, या चीजों को याद कैसे किया जाता है, ये तो असंभव है कि इतने बड़े ज्ञान की संपदा हजारों वर्षों से चली आ रही है और सीखने की कोई पद्धति ना रही होती तो कैसे वह जीवित रहता। जीवित है यही इस बात का प्रमाण है कि किसी न किसी प्रकार से वेद को लोगों ने सीखा, समझा। अब उसके तरीके थे अपने, पाणिनि ने अष्टाध्यायी बनाया और वह छोटी सी किताब है, लोग उसे याद कर लेते हैं। उस पर टिप्पणी जाने कितनी कितनी हुई है, छोटे से अध्याय पर किताब लिखी गई, उसका नाम हुआ महाभाष्य। तो कहने का हमारा अर्थ यह है कि हर संस्कृति हर समाज में सीखने के, स्मरण करने के, याद करने के, उस पर विमर्श करने के तमाम सारे तरीके होते हैं। तो कंडीशनिंग जो है और रिइंफोर्समेंट मात्र एक उपाय नहीं है, और उसके अलावा और भी उपाय हैं, उधर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और ज्ञान कहीं से भी प्राप्त होता है, अगर वो उपयोगी है तो उसे ग्रहण करने में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का संकोच होना चाहिए। कंडीशनिंग जो है बड़े ही सीमित प्रकार के ज्ञान को समझने में सहायक होता है, बिल्कुल सीमित, अत्यंत सीमित। कंडीशनिंग का जो है वह नाना प्रकार की कंडीशनिंग होती है, हमारे जीवन में होती रहती है। किसी बच्चे को किसी चीज से चोट लग गई, किसी रंगीन पदार्थ से चोट लग गई, या किसी को उसने देखा दाढ़ी वाले को, डर गया, उसके बाद हर दाढ़ी वाले से वो डरेगा, हो गई उसकी कंडीशनिंग। कंडीशनिंग शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंडीशनिंग जो है वहां घटित हो रही है। तो या कोई ऐसी समस्या मुझे नहीं लगती। और कंडीशनिंग या सोशल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, तमाम सारे इसके उपाय हैं। तो चाहे वो अमेरिकन हो, बहुत सारे शब्द हैं जो कि जिनका हम जबरदस्ती अनुवाद कर देते हैं। अब धर्म का ही अनुवाद रिलीजन हमने कर दिया, भ्रष्ट कर दिया उसको। धर्म तो धर्म ही है, उसका अनुवाद नहीं हो सकता। अब आत्मा का अनुवाद सोल कहिए तो वो तो नहीं है। अब हम लोग जबरदस्ती जो है वो स्पिरिचुअल करते हैं, स्पिरिट। अब वो जो अर्थ उनका स्पिरिट का है वो अर्थ तो नहीं है अपने स्पिरिट का। आध्यात्मिक अर्थ जो है भिन्न प्रकार का है,
तो भिन्न भिन्न परंपराओं में जो ज्ञान का स्वरूप है वह भिन्न प्रकार का संभव है, तो उसमें समानता भी होगी भिन्नता भी होगी। जहां पर समानता हम उसे स्वीकार करेंगे, तो भिन्नता उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका क्या अर्थ है। अब योग का कोई अंग्रेजी में शब्द हो तो आप बताइए, योग के लिए योग ही शब्द होगा। ऐसे ही जर्मनी में एक मनोवैज्ञानिक ने शब्द संपूर्ण को व्यक्त करने के लिए गेस्टाल्ट शब्द लिया। अब यह गेस्टाल्ट का कोई अंग्रेजी अनुवाद नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि ज्यों के त्यों उनको हम दूसरे भाषाओं में ले जाते हैं। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मंत्र है, पंडित है, ये शब्द आ चुके हैं। अब देखिए और भी बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। तो ये शब्द जो है जिस रूप में है उनको उसी रूप में स्वीकार करने की जरूरत है, इसलिए इससे कोई बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द हैं, वो हमको उनका स्वीकार करना चाहिए और उनको हमारा स्वीकार करना पड़ेगा। जी जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। और कंडीशनिंग शब्द जो है और कंडीशनिंग का जो प्रोसेस है इस पे भी कभी चर्चा करेंगे। और मजेदार बात है कि कंडीशनिंग शब्द का जब आप परंपरा के अनुसार अर्थ करेंगे तो वो वृत्ति बनेगा, और यहाँ पे वो वृत्ति जो है वो बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होती है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि कभी थोड़ा सा समय निकाल करके उस वृत्ति पे भी बात की जाए और वृत्ति की प्रक्रिया। बल्कि मेरे मन में तो ये विचार आ रहा है कि वृत्ति की निवृत्ति और प्रवृत्ति, इन दोनों पक्षों पे बात हो कि भाई वृत्ति की प्रवृत्ति कैसे होती है और निवृत्ति क्या होती है। तो इसमें भी मनोविज्ञान और दर्शन की दृष्टि से हम बात करेंगे। तो यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो टिप्पणी भी है तो वो सादर आमंत्रित है, फिर उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, पूर्ण करेंगे। और आप लोगों के लिए जी आप लोगों को लिंक हमने डाल दिया था बीच में, आप लोग उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। कृपया अपने नाम के साथ डिग्री बिग्री मत लगाइए, इन उपाधियों की आवश्यकता नहीं है, उससे जो है वो सिस्टम हमारा गड़बड़ा जाता है। कल भी एक आशुतोष जी एक बार पुनः भेजना लिंक, सर दोबारा भेज देते हैं। पीयूष जी अगर भी हुए हैं तो पीयूष जी एक बार लिंक दोबारा कर दीजिए, लेकिन अपने नाम के साथ डिग्रियां उपाधियां ये मत लगाइएगा, वो सारा मिथ्या है, उसके आवश्यकता नहीं है। वो हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है वहां पे, तो मेहनत फिर दोबारा करनी पड़ती है, उसका लाभ। यदि किसी और का कोई प्रश्न जल्दी से ताकि हम समय पे इसको समाप्त कर लें। जी मैम रंजना जी, शायद एक मिनट मैम मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी मैम। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि उसमें नीरजा जी पूछ रही थी कि इंडियन साइकोलॉजी का पाठ्यक्रम में कुछ होना चाहिए, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने 35 वर्ष पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी इंडियन साइकोलॉजी पढ़ी थी, और उसके बाद मेरी बेटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया तो उसने भी इंडियन साइकोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा। पर जो मैंने अनुभव किया, क्योंकि आजकल के बच्चे इंग्लिश मीडियम के पढ़े होते हैं तो उनको वो बहुत अच्छे से इन सब चीजों को समझ नहीं पाते हैं, मन और आत्मा और ये सब जो शब्द हैं, क्योंकि वो संस्कृत से उतने पढ़ा नहीं उन्होंने, तो वो उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। जी जी डॉक्टर, तो हम लोगों ने सब ये पढ़ा है पहले, पाठ्यक्रम में भी था। जी जी, दिल्ली में तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब की वजह से ही लगा होगा पाठ्यक्रम जो इंडियन साइकोलॉजी का है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेड थे साइकोलॉजी विभाग में पहले। हाँ जी, और संयोग था कि साइकोलॉजी इलाहाबाद में भी शायद करने ही हम लोगों को ये वाला पढ़ाया था। जी 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 सर, आपकी कोई टिप्पणी इसके बाद? ऐसा है कि जब प्रयोग में शब्द आते हैं तो उनको ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, और हम लोगों का जो अभ्यास मनोविज्ञान का जो आधुनिक पाठ्यक्रम है वह इस प्रकार का है कि उसमें जिन शब्दों का बार बार हम उपयोग करते हैं
वो ज्यादातर अंग्रेजी के हैं और हम उनको मूल जो भारतीय शब्द हैं उनसे परिचित कराने की बहुत कोशिश नहीं करते और ये तो विपत्ति है हम लोगों की शिक्षा पद्धति की कि अपनी चीज को ही हम किनारे कर देते हैं। तो ये तो सांस्कृतिक गौरव की बात है कि आप अपनी पहचान कहाँ से ढूंढते हैं और कहाँ स्थापित करते हैं। तो यदि आपको अपना रेफरेंस पॉइंट विदेश में रखना है तो वहां से जो स्वीकृति मिलेगी तो उनकी शब्दावली का उपयोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तो एक विकट प्रश्न है जो कि जो विचारक हैं या जो कि शिक्षाविद है इनके सामने भी यह प्रश्न है, ये सांस्कृतिक अस्मिता का भी प्रश्न है और यह भी कितना उपयोगी है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन बहुत सा कुछ जो पढ़ाया जाता है उसका व्याख्या करना उसका उपयोग करना अगर है तो आप अमेरिका में जाइए क्योंकि वो सब यहाँ पे लागू ही नहीं होता है। उनको आप पढ़ रहे हैं, उन सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं, उन विचारों को पढ़ रहे हैं, इतना समय उसमें हम लगाते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है और यहाँ के बारे में कोई जानकारी हमको नहीं प्राप्त होती है, न यहाँ की संस्कृति के बारे में, न यहाँ के जीवन के बारे में। यहीं पर इतनी विविधता है जो कि जानने की आवश्यकता हमारी है। तो ये तो एक गंभीर प्रश्न है कि हम कहने को तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कूप मंडूक की तरह से रह जाते हैं, उसी के कुएं में, जो अमेरिकी कुआं है उसी में इतना कुछ है, उसी को देख करके वही ज्ञान हमारा सीमित रहता है। तो थोड़ा सा आंख तो खोलनी पड़ेगी। जी जी हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी सर मैं। हाँ जी। हाँ जी रोहतास। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा प्रश्न सर छोटा सा प्रश्न है, मैं ये पूछना चाहता हूँ मन और मनोविज्ञान की दशा और दिशा का कालखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ बदलाव हुआ? अगर बदलाव हुआ तो कितना बदलाव हुआ और आजकल हम कैसे देखते हैं? मेरे इस प्रश्न के संदर्भ में मनुस्मृति के 9वें अध्याय में स्त्री के 6 दोष बताए गए हैं। दोस्तों के संदर्भ में आज का मनोविज्ञान आज के समाज में किस तरह है, किस स्थान पर है और मन और कर्म का क्या संबंध पाया जाता है? मेरा यही प्रश्न है सर, मुझे समझाने का प्रयास करें। नमस्ते सर। जी देखिए आपका प्रश्न जो है बहुत ही स्वाभाविक है और ये जिज्ञासा सबके मन में है मगर इस पर विचार करने के लिए थोड़ा हमको दो बातें ध्यान में लानी पड़ेंगी। एक तो ये कि मनोविज्ञान जिसे साइकोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं वह एक विषय है, एक शास्त्र है और उस शास्त्र की अपनी पद्धति है, उसके ज्ञान का विस्तार जिस रूप में हो रहा है उसका आकलन किया जाए वह एक पक्ष हुआ और दूसरा हुआ कि लोगों की मानसिक प्रवृत्तियां किस प्रकार की हैं, जीवन में क्या चीजें घटित हो रही हैं, कैसे लोग सोच रहे हैं अर्थात उनकी मेंटेलिटी क्या है। तो ये एक दूसरी बात हुई, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जहां तक मनोविज्ञान के शास्त्र का प्रश्न है उसमें बड़ी विविध ढंग की प्रवृत्तियां जो है वह विकसित हो रही हैं और उनको यहाँ पर यदि संक्षेप में मैं कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि धीरे धीरे मनुष्य को एक और तो एक कंप्यूटेशनल मॉडल के रूप में समझने का प्रयास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर, उसी प्रकार से न्यूरोफिजियोलॉजी न्यूरोबायोलॉजी उसमें जो अध्ययन हो रहे हैं उन सबके आधार पर समझने का प्रयास बड़ी तेजी से हो रहा है, बहुत सारे उसमें परिवर्तन आए हैं। और एक दूसरा जो पक्ष है जो महत्वपूर्ण है वह यह है जो उतना ध्यान नहीं लोगों का गया है कि सांस्कृतिक भिन्नताओं के ऊपर भी लोग ध्यान
दे रहे हैं, ज्ञान की भिन्न भिन्न परंपराओं के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी, इंडिजिनस साइकोलॉजी, इस प्रकार के विचार भी विकसित हो रहे हैं। तो वहां पर दूसरे प्रकार के विचारों का भी स्वागत धीरे धीरे हो रहा है। तो एक प्रकार की जो हेजमनी कह लीजिए या वर्चस्व जो एक प्रकार की भाषा विचार का था, उसमें थोड़ा बहुत ह्रास हुआ है। जहां तक मानसिकता का प्रश्न है, वह निश्चित रूप से एक भौतिकवादी विचारधारा का ही सर्वत्र प्राचुर्य है, वही चारों ओर फैली हुई है कि यह जो जगत है वह एक भौतिक जगत है और इस भौतिक जगत में भौतिक प्राणी की तरह से व्यवहार करो, जितना लाभ पा सको उतना लाभ कमाओ, इंद्रियों का जितना सुख ले सको उतना उनका सुख लो, जितना अधिकार पा सको उतना अधिकार प्राप्त करो। तो यही उसका जो है, और कह सकते हैं राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां ही उसमें प्रबल हो रही हैं। तो यह एक सामान्य प्रवृत्ति आप देख सकते हैं, इसमें बड़े भेद हैं व्यक्ति के स्तर पर, समुदाय के स्तर पर, देश के स्तर पर, आप तमाम तरह की भिन्नताएं आप पाएंगे। तो अभी तो इस पर विस्तार में चर्चा हो सकती है, अभी तो इतना ही कहेंगे। जी धन्यवाद, धन्यवाद। इससे पूर्व कि मैं डॉक्टर नीरज शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं वैदिक रिसर्च सेंटर की, मैडम आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैडम नीरज? हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, धन्यवाद। ज्ञापन आपने करना है, लेकिन उससे पूर्व दो धन्यवाद ज्ञापन होंगे, एक संजीव जी की तरफ से, एक आपकी तरफ से। और लेकिन उससे पूर्व मैं अभी जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उनको सूचना देना चाहूँगा कि परसों जो है एक वेबिनार है, उसकी सूचना वैसे पहले दी हुई है, भारतीय प्रतीक विद्या, दर्शन और मनोविज्ञान। तो उसमें भी आप लोगों से जुड़ने का मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि उसमें भी आप जुड़ें कि ये जो भारतीय प्रतीक हैं, कई तरह के प्रतीक हैं, उसके ऊपर हम परसों चर्चा करेंगे। और उसमें हमारे साथ नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर और बाकी लोग जुड़ेंगे, तो अगर आप लोग जुड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों को मैं सूचना आज शाम को अगले सारा जो हमारा कार्यक्रम रहेगा 30 जून तक का वो मैं आपको अपडेट करूंगा, सूचित कर दूंगा। और ये सूचना देने के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पहले डॉक्टर नीरज शर्मा जी को कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें, और उसके बाद संजीव जी जो है वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। दो दो धन्यवाद आवश्यक है। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी का हार्दिक रूप से धन्यवाद करती हूँ कि उनके जितने भी लेक्चर हुए हैं और मैंने सुने हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक रहे, और मुझे लगता है वो सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत ही अत्यंत रुचिकर ज्ञानवर्धक रहे होंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे मैं सोच रही थी कि भारतीय मनोविज्ञान को साइकोलॉजी के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया जाए, तो आपने उसके विषय में भी बड़े विस्तार से जानकारी दी। और भविष्य में हम ये भी चाहेंगे कि जो भारतीय मनोविज्ञान है वो स्वतंत्र रूप से भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो, और जहाँ जहाँ साइकोलॉजी के लोग कुछ अंश यदि भारतीय मनोविज्ञान का रख रहे हैं तो उसको संस्कृत वाले लोग या जो इस विषय के ज्ञाता हैं वही वहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर इसको पढ़ाए। तो ऐसी भी परिकल्पना की आशा करते हैं सर आप इस स्तर पर युक्ति में इस अपनी बात को रख पा रहे हैं, या जो जो हमारे भारतीय ज्ञान की विधाएं हैं उसको हम किस तरह से सभी विषयों में, केवल मनोविज्ञान साइकोलॉजी में ही नहीं, जैसे फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में है, फिजिकल एजुकेशन में है, ऐसे कई ऐसे सब्जेक्ट हैं, यदि आप इस तरह की बात युक्ति तक या ऐसी ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं जिसमें हमारी भारतीय विद्याएं सम्मिलित हो सके और उसमें संस्कृत के लोग या जो इसमें रुचि रखने वाले या ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो इसको उस डिपार्टमेंट में जाकर पढ़ाएं, तो यदि ऐसा संभव हो सके तो ये आपका बहुत ही आभार रहेगा संस्कृतज्ञों के प्रति, संस्कृत परिवार के प्रति।
तो मैं हार्दिक रूप से जितने भी प्रतिभागी 100 के करीब प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े थे उन सबकी तरफ से, कन्या महाविद्यालय की तरफ से और बहुत से प्राध्यापक भी इसमें जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से, आशुतोष सर की तरफ से आप सभी का हार्दिक रूप से धन्यवाद करती हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम नीरज, और ये अच्छा सुझाव है कि किसी तरह से अगर ये इंट्रोड्यूस हो सके ये विषय, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम सभी के लिए। और इसी के साथ अंतिम धन्यवाद करने के लिए, संपूर्ण धन्यवाद करने के लिए संजीव गारू जी जो डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल के, कि वो धन्यवाद करें और उसके बाद हम सभा विसर्जित करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं दो दिवसीय जो वेबिनार रहा, विभिन्न दोनों दिन अलग अलग विषय रहे लेकिन आधार मनोविज्ञान रहा। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, उन संस्थानों की तरफ से जिन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया। और डॉक्टर नीरज ने जिस प्रकार से एक अपने मन के भाव प्रकट किए हैं, मैं उनके मन के भाव का समर्थन करते हुए एक आशा व्यक्त करते हुए कहता हूँ कि वो मेरा निवेदन आग्रह डॉक्टर मिश्रा जी के साथ साथ डॉक्टर आशुतोष जी से भी है कि यदि इस प्रकार का कोई प्रकल्प हम बना सकें जिसमें अन्य संस्थानों को हम जोड़कर हमारी जो संस्कृति सभ्यता है उसके साथ भारतीय मनोविज्ञान को और आगे लेकर जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास दर्शन शास्त्रों की कोई कमी नहीं है, युगों युगों से हमारे पास बहुत सारे दर्शन शास्त्र हैं लेकिन उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को निकालकर जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे नौनिहाल है, उनके लिए हम तैयार कर सके ऐसा एक प्रकल्प तैयार हो जिससे हम चीजों को आगे निरंतर बढ़ाते रहें। वेबिनार एक सेतु का तो काम किया है जिसने चीजों को समझने का एक बहुत अच्छा रास्ता दिया है, लेकिन इसकी गति कम ना हो, निरंतरता बनी रहे और इस पर निरंतर कार्य होता रहे डॉक्टर मिश्रा जी के मार्गदर्शन में, डॉक्टर आशुतोष के दिशा निर्देश पर काम होता रहे, तो ऐसा आग्रह करता हूँ कि इस डॉक्टर नीरज जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका पूर्णतः समर्थन करते हुए निवेदन करूंगा कि इस पर भी आप विद्वान लोग विचार करके जरूर ऐसी एक योजना बनाएं जिसमें हम लोग भी अपनी छोटी सी आहुति को डालकर आने वाली पीढ़ियों को हम बहुत दे सके। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं फिर से दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहूंगा, मनोविज्ञान का छात्र रहा तो बहुत सालों के बाद मुझे इस प्रकार की चीजें सीखने और समझने का जो डॉक्टर मिश्रा जी के वैचारिक मार्गदर्शन और उनके आशीर्वचन प्राप्त हुए, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर नीरज जी का धन्यवाद और तमाम प्रतिभागी जिन्होंने दो दिन लगातार इसमें भाग लिया, उन सब का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये सभा विसर्जित करने से पूर्व एक पंक्ति की कहानी में डॉक्टर मिश्रा जी के सम्मान में, क्योंकि और तो मेरे पास कुछ है नहीं लेकिन वाणी मात्र से उनका सम्मान, उनके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करने के लिए एक पंक्ति की कहानी मैं सुनाना चाहूंगा। पूर्व जन्म में डॉक्टर मिश्रा जी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूर्व जन्मों के फल होते हैं, जिस व्यक्ति को इतनी सिद्धता वाणी पर और विचार की सिद्धता हासिल हो निश्चित रूप से पूर्व पुण्य जन्म पुण्य कर्मों का वो प्रतिफल होता है। तो पिछले जन्म में जब मैं इनके पास गया था, मैंने कहा कि मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ तो आप मुझे बताएं, तो डॉक्टर साहब ने पहले कोई जवाब नहीं दिया, मैंने दोबारा पूछा, तीन बार पूछा, चार, कोई उत्तर नहीं दिया। और जब मैं निराश होकर के वापस जाने लगा तो कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी, सुनो। और मैं चौंक करके पीछे मुड़ा और उन्होंने साथ ही दूसरे शब्द ये कहा कि बस यही तो था, आप लोग इस ये कथा यहीं पे समाप्त हो जाती है, इस सुनो में सब कुछ निहित है। सर आप मेरे द्वारा इस प्रदत्त सम्मान को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें और धन्यवाद आपका सर, मैं दोबारा आपसे चाहूंगा दिशा निर्देश लेने
और ताकि इस विचार को हम और आगे भी अग्रसर भी करें और इसका विस्तार भी करें। और सभी प्रतिभागियों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि परसों भारतीय प्रतीक विद्यालय में आप सभी लोग जुड़ेंगे कि वो प्रतीक बनते कैसे हैं, उनके पीछे क्या दर्शन रहता है और किस तरह से उनमें सौंदर्य मिला होता है, उन सब पे चर्चा हम करेंगे परसों। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस सभा को मैं विसर्जित करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। वी कैन लीव द मीटिंग नाउ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।